आज हम जा रहे हैं जिलो, वहाँ पर नरसिंह भगवान जी का एक मंदिर है जो कि 600 साल पुराना है, और उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है, वो कितना पुराना है वो किसी को नहीं पता, तो उस शिवलिंग के आज दर्शन कराएंगे। और जो नरसिंह भगवान जी का मंदिर है वहाँ पर कृष्ण जी के जितनी भी पत्नी थी वहाँ पर उन सबकी मूर्तियाँ रखी हुई है, और 600 साल ये पुराना मंदिर है। चलते हैं और कराते हैं उस मंदिर के दर्शन, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। तो गाइस आज हम आए हैं जिलो गांव में, मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, ये जो मंदिर है 600 साल पुराना है, नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, और यहाँ पर राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति है, और उनकी जितनी भी रानियाँ थी उनकी भी जो है मूर्ति यहाँ पर है। तो आज इस मंदिर के कराएंगे आपको दर्शन, और यहाँ पे ये मंदिर जो 600 साल पुराना है, यहाँ शिवलिंग है, शिवालय है पूरा, वो जो है इससे पहले बना था और उसके बाद में इस मंदिर की जो है स्थापना हुई थी। तो आज ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत के अंदर है, तो कोई अगर यहाँ पर रिपेयरिंग कराने के लिए आना चाहता है तो आ सकते हैं। तो आज चलते हैं और इन मंदिर के कराते हैं दर्शन, ऐसे पुराने मंदिरों के हम आपको दर्शन कराते हैं जहाँ पे कोई भी YouTube चैनल नहीं जाता। तो आज चलते हैं और आपको कराते हैं दर्शन, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। तो आज हम आए जिलो गांव के अंदर, यहाँ पर नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, और ये मंदिर की देख रेख करते हैं, तो इनसे पूछते हैं मंदिर का इतिहास। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैलाश चंद्र सिपाही जी। मंदिर का इतिहास बताइए, कितना पुराना है मंदिर ये? मंदिर तो लगभग 600 साल पुराना मंदिर है जी। किसका मंदिर है ये? नरसिंह भगवान का मंदिर। ये किसने बनाया था मंदिर? साहब ये तो मेरे को ध्यान में नहीं है, परंतु पहले राजपूतों की सत्ता थी और बनियों के थे, 400 घर बनियों के थे, तो उनमें से किसी ने बनाया होगा जी। तो यहाँ पे अगर कोई आना चाहे तो यहाँ का एड्रेस? गांव जिलो है, और तहसील? तहसील पाटन है, और जिला? जिला नीम का थाना हो गया आजकल। नीम का थाना से कितने किलोमीटर रहेगी? नीम का थाना से 21 किलोमीटर। आप कब से सेवा कर रहे हो इस मंदिर की? देखो हमारे दादाजी थे, वो इनमें जो चार पांच जो फंक्शन थे ना, अन्नकूट वगैरह और शरद पूर्णिमा और मंदिर की देख रेख, जितने भी जो उत्सव आते हैं वो हम करवाते हैं जी। धन्यवाद आपका। तो इस मंदिर की पूजा ये पंडित जी करते हैं, तो इनसे पूछते हैं मंदिर का इतिहास और इनका नाम। जी आपका शुभ नाम? कपिल देव शर्मा मेरा नाम जी। तो मंदिर का इतिहास बताइए। बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 600 साल पुराना मंदिर है जी, और ये पहले यहाँ राजपूतों और बणियों के लोग रहते थे जी। तो शायद हो सकता है उन्हीं लोगों के द्वारा बनवाया गया होगा ये मंदिर जी। ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि पहले उनके ही राजसत्ता थी जी, तो उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया होगा। तो आप कितने साल से सेवा कर रहे हो यहाँ पर? जी मैं तो देखो यहाँ इस मंदिर में मतलब 2-3 साल से, इसमें जो फंक्शन होते हैं जैसे शरद पूर्णिमा है, अन्नकूट का महोत्सव है जी, उन पर पूजा अर्चना का कार्य मैं ही करता हूँ जी। धन्यवाद। तो गाइस आज हम आए हैं जिलो गांव के अंदर, और यहाँ का एक नरसिंह भगवान जी का मंदिर है जो कि 600 साल पुराना है, इनके कराएंगे आपको दर्शन। और यहाँ पे एक शिवलिंग भी है, वो जो शिवालय है कितना पुराना है किसी को भी नहीं पता है, इस मंदिर से पहले जो है वो शिवालय बना था, तो उनके भी दर्शन कराएंगे। तो ये है मंदिर, आप देख सकते हो, और यहाँ पर अगर कोई रिपेयरिंग कराने के लिए आना चाहता है तो आ सकते हैं। और आसपास का लोकेशन कुछ ऐसा है, देख लीजिए, और इस साइड में देख लीजिए, पूरा ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी जंगल के अंदर आ गए। ये जो मंदिर है ये भीतर वाला जो जिलो है वहाँ पर है, तो आज चलते हैं और आपको कराते हैं दर्शन। तो ये इसका एंट्री गेट है, देख लीजिए, यहाँ से एंट्री ली जाती है, और फ्रेश आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा देख लीजिए पत्थरों से बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पर सीमेंट का नहीं है, नहीं यहाँ पर टाइल लगाई गई है, पूरा पत्थरों से बनाया गया है। और यहाँ पर हम मंदिर के अंदर होते हैं एंटर, और ये है शिवलिंग, तो आप शिव जी के दर्शन कर सकते हो, ये देख लीजिए। और ये है नांदिया जी, और यहाँ पर है पार्वती माता जी, और यहाँ पर है गणेश जी, और यहाँ पर है ये शायद तक द्वारपाल जी है, तो देख लीजिए ऐसा कुछ ही है पूरा शिवलिंग, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कितना पुराना है, आपको यहाँ से पूरा अंदाजा लग जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे जो दीवार है, और यहाँ से ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ पे कली वगैरह करी हुई है। और यहाँ से हम जाते हैं अंदर, और जो मेन मंदिर है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये द्वारपाल जी आप देख सकते हो, ज्यादा मंदिरों के अंदर हमें ये नीचे मिलते हैं, और यहाँ पर ये द्वारपाल जी है,
इनके आप दर्शन कर सकते हो। और ये है हनुमान जी, इनके भी आप दर्शन कर सकते हो। तो गाइस ये यहाँ का मेन मंदिर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो है कृष्ण जी, आप दर्शन कर सकते हो उनके। और बाकी यहाँ पे आपको जो मूर्तियां दिखाई दे रही है, ये इनकी रानियां है, पटरानियां बोलते हैं इनको। तो देख लीजिए, ये लाइट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, इसलिए फोन की लाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 600 साल पुराना मंदिर है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार के। यहाँ पर देख लीजिए मूर्तियां है जो कि काफी पुरानी है, ये देख लीजिए। और अंदर से कुछ ऐसा है, देख लीजिए छत भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस मंदिर की। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार का है। और अब आपको दिखाता हूँ परिक्रमा देने की। तो गाइस यहाँ से जो है परिक्रमा दी जाती है इस मंदिर के अंदर, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको अंदाजा लग जाएगा, ये जो हम परिक्रमा देते हैं, ये जो जगह है इसमें सिर्फ एक आदमी ही जा सकता है। जो पुराने मंदिर है इनके अंदर इतनी छोटी जो है परिक्रमा देने के लिए गली होती है। और रोशनदान के लिए यहाँ पर देखिए, रोशनी आने के लिए जो रोशनदान है वो छोड़े गए है। और आपको मैं पूरा मंदिर का व्यू एक बार दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ मंदिर है। तो यहाँ पर कुछ भक्तजन आए जी। आपका शुभ नाम? छगनलाल। कहाँ के रहने वाले हो? जिलो के। तो मंदिर में रोज आते हो? हाँ रोज आते हैं। तो एक भक्त और आए हैं, इनसे पूछते हैं जी आपका शुभ नाम? अंकित शर्मा है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं का, जिलो का रहने वाला। अच्छा, तो मंदिर रोज आते हो क्या? हाँ जी। और यहाँ पे एक रूम है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये भी इतना ही पुराना है। तो ये आप देख सकते हो इतना पुराना यहाँ पर रूम है। ऊपर से छत आप देख सकते हो, यहाँ से पानी जो है टपकता है। तो कोई अगर इस मंदिर की रिपेयरिंग कराना चाहता है तो एड्रेस यहाँ का हमने वीडियो के अंदर बता दिया है, पंडित जी से पूछ के, तो आप आ सकते हो। और ऐसे कुछ देखिए, यहाँ पर रोशनी के लिए जो है, ये देख लीजिए रोशनदान छोड़े गए थे। तो आप देख सकते हो 600 साल पुराना ये मंदिर है। और यहाँ से देखिए अभी भी पानी आता है, निशान यहाँ पर अभी तक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइए। वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। तो भाई आज हमने आपको दिखाया जिलो गांव का 600 साल पुराना नरसिंह भगवान जी का मंदिर। और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो उससे भी पुराना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।